हाँ, सबका कमेंट आ रहा, परेशान न रहे आप सभी। तो एक छोटा सा सवाल बताइए, जब तक मैं मार्कर में स्याही वगैरह भर लेता हूँ, आप सभी ये बताओ जल्दी से फटाफट कि अंडर रूट 511 क्या ये रेशनल नंबर है? यस या नो? अंडर रूट 511 इज अ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है या नहीं? अगर है तो आप लिखेंगे पी, मीन्स परिमेय संख्या मान लीजिए आप, नहीं है तो ए, मतलब अपरिमेय संख्या। एनीवन? कोई? इतनी सारी महान आत्माएं यहां पर भटक रही, वो बता नहीं पा रही क्या? इससे आ ही दिया है कि क्या दिया भाई? भावना सिंह, हाँ कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, अगर मैं नाम ना बोलूं तो बिल्कुल घबराना नहीं। अच्छा, कल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। कंचन यादव, पायल कुमारी, सुमन कुमारी, कल्पना, सपना, सबका कमेंट आ रहा है। मुझे लग रहा है गर्ल्स आजकल ज्यादा पढ़ने लगी, बॉयज गधे गधे हो जा रहे, मतलब हमसे बड़े गधे बन जा रहे ये लोग। ये रैशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल, मैथ सीखना सिर्फ परीक्षा निकालना नहीं होता मेरे भाई, हमारा टारगेट होता है आपकी जिंदगी सफल बनाना। मैथ नहीं सीखोगे, इस महंगाई में आलू सब्जी लाओगे, आलू मटर टमाटर नहीं खरीद पाओगे। हाँ, 10 ग्राम 50 ग्राम का हिसाब कैसे जोड़ोगे? आजकल इतनी महंगाई में अगर 50 ग्राम भी कोई बेईमानी किया ना, तो 20 रुपए तक का नुकसान होता है। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा कि सब आ गए हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। आप कह सकते हो ए, यानी अपरिमेय संख्या, मैंने इसे बोला था ना। क्यों है? क्योंकि 511 इज नॉट परफेक्ट रूट आर परफेक्ट क्यूब, समझ में आया ना? और सुनिए, ये रेशनल हो सकता था अगर ये 512 होता और इस पर 3 होता। अंतर है दोनों में, अगर इसको भी हम 512 कर दें फिर भी ये रेशनल नहीं है। आप कहोगे काहे को नहीं है, क्या कोई बताएगा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ये रेशनल फिर भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अगर आप वर्गमूल करोगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, लेकिन इसका घनमूल निकालना है, हम सबको पता है। 8 28 64 8 512 होता है ना, मैं सही जा रहा हूं कि नहीं? अगर ये घात 3 करेंगे, 512 होता है, यस या नो? होता है, यस या नो? मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हूं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, ऐसा मैं नारा नहीं लगवाने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो इसका घनमूल आप निकालोगे जो भी होगा, तो 8 आ जाएगा, प्लस में ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। समझ में आया ना? सबको समझ में आया? ठीक है, तो अब चलिए पॉइंट पे चलते हैं। साथियों, पिछली क्लास में आप लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसे बोलते हैं भिन्न। ये लाइव नंबर आपकी 6 है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो कंफर्म करना, मैं थोड़ा सांस ले लेके बोलूंगा। लाइव नंबर कौन सा है ये? 6। ओके ठीक है, इस बैच का क्या नाम था? इस बैच का अभी बड़ा फेमस नाम था, आजादी महोत्सव। आजादी महोत्सव, क्या आपको लगता है केवल एक ही दिन होता है? हर दिन आजादी महोत्सव है, आप आजाद हो ना? देशभक्ति का जज्बा एक ही दिन आने से कुछ नहीं होता है, हर दिन बना रहना चाहिए। आइए, तो फ्रैक्शन चल रहा था भिन्न। इसमें मैंने आपको बता दिया था भिन्न का जोड़ना, जब इनके हर मीन्स न्यूमरेटर नहीं डेनोमिनेटर अगर डिफरेंट डिफरेंस हो, सेम ना हो, बता दिया था ना? कब बताया था? जब दो टर्म्स में हो, टू टर्म्स में, दो पद वाले। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता तो बिल्कुल शून्य से हूं, चाहे किसी को लगे शर्म चाहे ना लगे। कहते ना, जेके फूटे शर्म हो, नहीं यार उल्टा होएगा, जिसको लगे शर्म होके फूटे करम, तो शर्म नहीं लगनी चाहिए। आजकल लोग वैसे सोशल मीडिया पे बेशरम हो चुके हैं, तो पढ़ाई लिखाई में क्यों शर्म करना ना? चलिए, इसको आप लोग कर लेंगे।
अब हम थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है अब सभी को आनी चाहिए मैथ। अगर ये दो पद से बढ़ के तीन चार हो जाए तब, जैसे 3/7, 1/5, 1/2, और थोड़ा बढ़ा ही रहे तो बढ़ा लीजिए, 1/4। अब इनको कैसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। देखिए जिनको पढ़ना सिर्फ वही रुक पाएंगे यहाँ पे, बाकी सब नहीं रुकने वाले हैं। आवाज मेरी पूरा आ रही कि नहीं, पांच आवाज फुल है ना, ये ईयरपोड जो लगाया हूं ना इसमें थोड़ा कम आती है आवाज। चंदन भैया काहे को परेशान हो बाबू, ना परेशान रहो। चलिए तो इनमें सिर्फ एलसीएम मेथड ही काम करेगा, क्रॉस मल्टीपल वाला बड़ा लोचा हो जाएगा, काफी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप क्रॉस मल्टीपल वाला करोगे इसमें। ठीक है एलसीएम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो जुगाड़ भी नहीं लगेगा गुड़ा वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है इनमें कॉमन फैक्टर है। तो हाँ पिछली क्लास में मुझे याद है मैं आपको एलसीएम एचसीएफ बताया था डीटीएल में, क्योंकि यहाँ पर काम लगने वाला था, याद है ना, कुछ याद है, सभी एक बार बोलिए हाँ यस या नो। यस श्री दयाल यादव, संजीत कुमार, ठीक है बहुत अच्छे। आइए एलसीएम कर लेते हैं फिर, सभी फटाफट बता दो इसका। 7 5 2 4। देखिए अगर शॉर्टकट में एलसीएम निकालना है तो आसानी से आ जाएगा, थोड़ा अगर दिखाना है आपको लंबा हो सकता है। तो आसानी से आप ऐसे कर सकते हो, ये डिटेल में बता रहा हूँ विस्तार से। ठीक है भैया, अब 7 और ये 5, बस क्या बताना ज्यादा, 2 दूना 4 7 28। 28 को 5 में गुणा कर लीजिए, ऐसे 5 8 40, 5 2 10 4 14, 140 आएगा। आप एक बड़की सी लाइन खींचेंगे मोटंगर्फी और नीचे 140 लिख देंगे। ओके प्रियंका देवी ये सही है कि नहीं, खड़े हो जाओ जल्दी से, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर चेयर उसके ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ बहुत अच्छा सही है ना, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एलसीएम में भाग करेंगे भैया किससे, पहली भिन्न के हर से, तो 7 से इसमें भाग करिए। देखिए दूसरे स्टेप में ही करते हैं, 7 से इसमें भाग करिए, यार बहुत छोटा छोटा बताना पड़ता है, कोई बात नहीं। ये 0 हो गया, ऊपर से एक सुन्ना उतारोगे, ऊपर सुन्ना मतलब काम खत्म। 20 आया, 20 का ऊपर मल्टीपल करोगे 3 में, तो मेरे भाई जब 20 का मल्टीपल 3 में करोगे तो 20 60 होता है, थोड़ा साइड देना, ये सारे इसी में आएंगे, यही प्रक्रिया आप आगे सब में करते जाओगे। ठीक है सब में यही करते जाओगे। देखो फिर 5 से भाग करो इसमें, 140 में, 5 2 10, 5 8 40, 28 आया ना, करके देखो 28 आएगा। 2 से भाग करिए 70 आएगा, 4 से भाग करिए 4 3 12, मैं लगता 35 आएगा, क्या कह रहे हो, सारी भाग करूं ऐसे बगल बगल, ट्राई कर लेता हूं, हो सकता कहीं बाई मिस्टेक गड़बड़े हो गया हो ना। 4 से भाग कर लो इसको, अब इतना बड़ा गधा तो नहीं है, गलत हो जाएगा, सही है। ठीक है इसमें सब में 1 1 था इसलिए आसान हो गया, जितना आया उतना लिख दिया, रोहित विश्वकर्मा आया समझ में, सबको समझ में आया इतना एक बार बोले यस। अब इसको जोड़ लीजिए, हो गया आंसर। तो उम्मीद है आप सीख गए ये चीज, अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ध्यान से देखिए, देखिए मगर प्यार से, और हाँ मगर क्लास को देखिए प्यार से, मुझे नहीं। आइए देखिए, कमेंट देखने के चक्कर में सब चौपट हो जाता है, इन सबको जोड़ेंगे आपस में, इनको नीचे ऊपर करके जोड़िए तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ऐसे बाकी बगल बगल भी आप जोड़ सकते हो। 8 5 13, हाँ सिला है 1,
6 1 7 2 9, 9 7 16, 16 3 19, 193 अपॉन 140। अगर आप अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो इसी पे छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया, ये 9 है, थोड़ा मोटका कर लीजिए। अभी डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे जब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तब हम आपको बताएंगे कि इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको मिश्र फ्रैक्शन में चेंज करके छोड़ना है, जिसे देसी भाषा में सही बटा बदलना कहा जाता है। सही बटा में बदलने का एक झलक देख लीजिए आप, छोटा सा ट्रेलर, बाकी तो मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, बीच में रुकोगे तब। देखिए सही बटा में कैसे बदलते हैं मिश्र फ्रैक्शन में, ट्रेलर देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है 15/2, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा समझ लो मेरे भाई, इसका मतलब, या इसका मतलब, अब ये ना कहना इसको टेढ़ा लिखे हो, मैं 5 ही लिखा हूं, इसको भी वो होता है हाथ का बात, अलग हो गया। हाँ, इसका मतलब, या इसका मतलब एक है होता सबका, समझ में आया ना। जैसे माई कनऊ है ना, इधर से चाहे इधर से खींची, चाहे इधर से, चाहे उधर से, चाहे उधर से, लेकिन खींचेंगे नहीं, नहीं गिर जाएगा। सारिका, अग्नोत्तरी, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया। आकाशदीप, सबको आ रहा भैया? शिवानी, राजेश कुमार पांडे, विवेक सरोज, ठीक है। अब इनको हम भाग करेंगे तो 2 7 14 घटाने पर आया 1। इसको सही बटा या मिश्र फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं, जो ऊपर नंबर जाता है उसको ऐसे लिख देते हैं पहले। ठीक, उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। अब मिश्रा ना कहना इनको, मिश्रा जी हैं ये, पंडित जी नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब भैया एक चीज जब बता ही रहा हूं, थोड़ा तो ज्यादा समझ लो, ये मिश्र भिन्न क्यों कहलाता है? व्हाट इज द रीजन ये मिश्र भिन्न क्यों कहलाता है, बताओ। जैसे मान लीजिए मैंने पानी लिया है, अब इसमें मैं दूध मिला लूं तो एक मिक्सचर बन जाएगा ना, साइंस की भाषा में विलयन बोलेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बन जाएगा ना। सुनिए, तो क्या बन जाएगा? मिश्र भिन्न क्यों कहते हैं मिश्र भिन्न? क्योंकि इसमें जो 7 है ये पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर है, और भैया ये होल नंबर नहीं है, ये अभी भी उसी बीमारी में फंसा है जिसमें ये पहले फंसा था, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन एक होल नंबर दोनों मिला के होता है, समझ में आया ना। जैसे कहते हैं ना, बेटा से बाप का पता लगाया जा सकता है साइंस के जमाने में, और बाप से बेटा का, तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से हम यहां तक आ सकते हैं। कैसे? देखिए, जो जैसे समझाऊं समझ लीजिए बस, जितना सुनिए, ये 7 × 1/2 है ना, इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ऐसे 2 7 14, इसमें गुणा करिए, 2 7 14, 14 1 15, 15/2, ओके। एक और नेक्स्ट तरीका है, आप इनको अलग अलग जोड़ सकते हो, ये होल नंबर पूर्ण संख्या या अपूर्ण संख्या, दोनों को जोड़ सकते हो, तभी वही आएगा, जोड़ के देख लीजिए। तिरछा गुणा, 2 7 14, 7 1 1 1, फाइनल में 15/2। सभी एक बार सेशन को लाइक करके बोले यस। देखिए, जिनको ना समझ में आ रहा है मेरे भाई, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, 2 4 दिन मुझे टाइम दीजिए, 1 2 घंटा का। आप 60 वीडियो में ईमानदारी से बताना कौन कितने घंटे रोज वेस्ट करता है। मैं कहीं दूध का धुल के नहीं आया हूं, मैं भी तुम्हीं लोगों से निकला हूं, मैं भी 1 2 घंटा बर्बाद कर देता हूँ रोज, अभी भी इस टाइम पे, इतना बिजी होने के बाद ऐसी बुरी लत लग जाती है ना।
देखोगे ऐसे ऐसे करते रहोगे ऐसे ऐसे, अक्सर सब क्लास व्लास बंद हो जाती तब मेरा ज्यादा टाइम उसमें, फिर मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा लगती। पहले मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो वाला ऐप नहीं रखता था, स्नैपचैट, शेयर चैट, टिकटॉक, जितने भी मौज मस्ती वाले थे नहीं रखता था, लेकिन अब यूट्यूब में लाके डाल दिया तो मैं क्या करूँ, यूट्यूब तो मेरी मजबूरी है, मेरी रोजी रोटी सब कुछ इसी में है, तो देखना पड़ जाता है यूट्यूब वाला, है ना। कितने घंटे आप लोग वेस्ट करते हैं शॉर्ट वीडियो में बताइए, कोई ऐसा नहीं होगा जो रोज 24 घंटे में 1 घंटे ना देता हो शॉर्ट वीडियो में, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देते हो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं। मेरे भाई शॉर्ट वीडियो में अपनी जिंदगी मत शॉर्ट करिए, आप वो टाइम पीवीआर स्टडी चैनल पे दे दीजिए, ले आइए तो मैं पेपर पे साइन करके दे दूं, अगर आप 1 घंटे दे देते हैं ना बेसिक मैथ सिखाने की, पूरी गारंटी होती है, पूरी गारंटी होती है कि आपको बेसिक मैथ सिखा देंगे, बस आप 1 घंटे दीजिए रोज। यहाँ लोग आते हैं 10 मिनट में सोचते हैं कि हमें घोल के पिला दें, कोई बूटी दे दें बाबा वाली में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, बाबा वाली बूटी यहाँ मिलती नहीं, नहीं तब तक कहियो बाबा सलाखों पीछे हो गए, हम भी चले जाते। चलिए तो अब ये आप समझ गए, भिन्न का जोड़ना आप सीख गए, अब घटाने में आ जाओ। घटाने में सेम टू सेम वही प्रक्रिया होती है, फिर गुणा में चलेंगे हम लोग, फिर भाग में चलेंगे, कैसे कैसे क्या पढ़ना है फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं ना। आइए ठीक घटाने में सेम टू सेम वैसे होता है, इसमें कुछ नहीं बताना ज्यादा, देख लो मेरे भाई, देख ही लो, देख रहे हो तो एकदम छोटा, इससे छोटा भी सवाल हो सकता है क्या? नहीं ना, इससे छोटा सवाल नहीं हो सकता है, इसको सभी कर लेंगे ना एक बार, बोले यस। अरे थोड़ा सा हिम्मत अंदर से बनाया करिए यार, इससे छोटा सवाल देख करके मैं कितनी बेइज्जती कराऊं अपनी, बड़ी शर्म आती है हमारे, कभी कभी घर वाले देख लेते हैं ना क्लास, भाभी वो भी देख लेती, बड़ा मजा लेती मेरा, अरे ये हमेशा किच्ची बिच्ची पढ़ाओगे जिंदगी में, कुछ और भी करोगे, पता नहीं लोग कितनी गलत सोच रखते हैं। ये बताइए डीएलएड वीएलएड करते हैं आप लोग, बीएड वीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, टेट सीटेट सुपर टेट पास करके जाके काका काका पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई नहीं कहता क्योंकि सरकारी है। फिलहाल मैं उनके लिए नहीं पढ़ा रहा इसका, इसको मैं बच्चों वालों के लिए पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत सारी माताएं बैठी हैं चुपचाप बोल नहीं रही हो। आइए सुनिए, ठीक समझ में आया ना, कोई डाउट इसमें नहीं, हर हर बराबर था, डेनोमिनेटर इक्वल था, हमने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है डन। अब घटाने में कुछ बताना नहीं है, आप लोग कुछ कर लीजिएगा, एक आध दो दे देता हूं मैं, बाकी मैं मल्टीपल में आ जाता हूँ जिससे ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए, फिर इसमें बड़े बड़े फ्रैक्शन भी करेंगे हम लोग, ठीक है, अभ्यास प्रश्न में देंगे तब, और आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, 100 के ऊपर बने रहे। आइए मेन में आते हैं, मल्टीपल में ये जैसे जोड़ना था सेम प्रक्रिया होती, सब्स्ट्रक्शन में भी इसमें कुछ अलग नहीं होता है, मल्टीपल में अलग होता है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं इसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं ना, बहुत बढ़ा रहा हूं, हमारी कोशिश है हर किसी को आनी चाहिए मैथ, हर किसी को मैथ आनी चाहिए। और पक्का आएगी अगर आप ईमानदारी से देखेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। देखिए मल्टीपल में थोड़ा सा इसमें कई चीजें देखना होता है, जैसे एक तो मैं सिंपल सा बता रहा हूं, इसमें ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीपल करते हैं, ठीक है मेरे भाई, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीपल करते हैं, देखना जरा समझना कैसे।
देखिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 5 का 2 में करेंगे 10, बस ये आंसर हो गया और कुछ नहीं। जैसे आगे देखिए, 15/20, 7/14, इसमें थोड़ा एक स्टेप आपको और भी सीखना है, देखना मगर प्यार से समझना। वो कैसे? अब ये बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको हम छोटा कर सकते हैं काट पीट करके, लेकिन मुझे लगता है इस टाइप का थोड़ा बाद में बताएं, अभी नहीं सही, अभी थोड़ा कुछ लोग जो हैं गड़बड़ा जाएंगे। इसको अभी छोटा कर दीजिए, अभी रहने दीजिए। चलिए, आप सही हैं, खुश। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो 5 7 35, हिंदी में बोलेंगे 5 7 35, 2 4 8, बस आंसर हो गया। अभी मैं आपको भिन्न का टाइप नहीं बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको इसको ऐसे नहीं छोड़ता, इसको मिश्र फ्रैक्शन में चेंज करता। सबको समझ में आ रहा बाबू भैया? तो सेशन को लाइक भी करते जाइए फटाफट। आइए, हो गया डन। तो इस तरह से आप कितने भी पद के होंगे इनको कर लेंगे। ये तो 2 पद में थे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा फ्रैक्शन हो जिसमें कई पद दिए गए हो अगल बगल में। जो टीचिंग एग्जाम का कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए संजीवनी से कम नहीं है। ये इसमें कैसे करेंगे? एनीवन कोई आंसर बताएगा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। ऊपर कितना आएगा इतना बता दो बस, अंश में कितना आएगा? शिवानी कुमारी, रोशनी, पूनम यादव, मोहित, बीनू रंजन, संदीप, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड, वेरी गुड। रात के 9 बजे फ्री क्लास होती है, डेली डेली रात 9 बजे। मोहित के पहले, सबसे पहले अगर कोई आंसर दिया है तो भैया इनके नाम है राधे यादव, ठीक है राधे, वेरी गुड। इसमें एलसीएम एलसीएम नहीं लेते रे बाबा, कहाँ से बताऊं मैं तुम्हें, कितना बताऊं, इतना देर तक क्या बताया। मल्टीपल में अल्फियम अल्फियम नहीं करते हैं, वो मौसिक ननियोरे चले गए। इसमें सिर्फ ऊपर का गुणा नीचे का गुणा करेंगे, ऐसे 3 का 9 में, 1 का 5 में, ये 7 का 5 में, 2 का 3 में, ऐसे करते हैं। 3 9 27, यानी 9 3 27, 27 का 1 में 27 रहेगा, 27 का 5 में गुणा करोगे यानी 27 5 जा, तो हमें लगता है 105, करके देखो, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अरे भैया 135 आएगा यार, ये देख लो। अच्छा एक चीज और है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बेवकूफी करने से अच्छा है इसको थोड़ा काट पीट डालो ना। जैसे आपने देखा होगा गांव में, जब लोग आजकल मॉडर्न जमाने में पेड़ काटने आते हैं, हथियार ले लेकर के पहले डाल काटते हैं, अगर कहीं बस्ती में रहता है, डाल डाल काट के फिर उसको सिल्ली जिसे बोलते हैं बाद में काटते हैं। वैसे तो पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन कितना स्मार्ट तरीके से करते हैं, क्यों? जिससे उन्हें थोड़ा आसानी हो। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। बाकी हमारी कोशिश है कि आप लोग पेड़ लगाएं, कभी भी ना काटें भूलकर भी। आइए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जा रहा है ऐसे। देखो ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, गुड। ये 3 से हम इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं। और कोई जुगाड़ है इसमें? ना भैया नहीं, ठीक है। अब 3 3 जा, यानी 3 3 का 9, नीचे, बस हो गया आंसर, कितना छोटा था। प्रिया सिंह, वेरी गुड,
कल्पना निषाद, विवेक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने अच्छे हैं आप लोग, मैं तो सोच नहीं सकता आप इतने अच्छे हैं। किसी की कोई शिकायत है? अगर है तो जरूर बोल दीजिए, दिल से बोल दीजिए। मैं आज दिल खोल के आया हूँ एकदम, आपकी सारी शिकायत मैं लेकर चलूंगा। ये बोतल लेके आया हूँ, डिब्बा भी लेके आया हूँ, ये मग्गा भी लेके आया हूँ, इसमें भरूंगा। चलिए आगे बढ़े। तो आप लोग इस तरह के सारे फ्रैक्शन कर लेंगे। अब थोड़ा काम की बात करते हैं, ये तो सब था बच्चों का खेल। अभी इसमें भाग वाला बचा है, भाग वाला भी थोड़ा सा कर लेते हैं तब। नहीं, किसी को गाली वाली देना है दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूँ कभी कभी कमेंट में कुछ ऐसी महान आत्माएं आ जाती हैं, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। आइए सुनिए, एक आठ और बता दीजिए आप लोग फिर। अभी तो मैं सिंपल वाला ही दूंगा फिलहाल के लिए, 4/5 इंटू 7/3 इंटू 1/6। 5 क्या दूं यहाँ पे, 9। हाँ ठीक, इसका कितना आएगा फाइनल? एनीवन कोई बताए कितना आएगा? का भैया कितना आएगा? कोई कॉपी पेस्ट अगर कर रहा होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 सेकंड का होल्ड किया गया ना। हाँ काटने वाला बताऊंगा अभी, मैं इसको सिंपलीफाई करना बताऊंगा बताऊंगा। ये 9 लिखा था, थोड़ा गंदा लग रहा था, लकवा मारा था इसको। ऊपर का ऊपर में मल्टीपल करना है, 7 4 जा 28। नीचे का नीचे में करना है, यहाँ पर कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होगा आपकी बार। तो 5 3 15, 15 9 135, 9 3 27, 27 5 135, ये आंसर आ गया। अभी मैं आपको फ्रैक्शन का टाइप नहीं पढ़ाया हूँ, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लंगड़ी भिन्न, लूली भिन्न, और पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब भी बताना है। एक जानकारी आपको बता दूं, अगर आप लोगों की संख्या 100+ बनी रहती है तो ये क्लास यूट्यूब पे कंप्लीट चलेगी रोज। लेकिन ऐसा होता है 10 15 क्लास के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। तो आप लोग जब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, तो हम ठंडा होके बर्फ बन जाते हैं, फिर आपकी क्लास सिर्फ पीबीआर स्टडी ऐप में चलती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ऊपर नंबर दिया गया उस पर संपर्क करेंगे, हम आपको ये एप्लीकेशन में इनरोल कर देंगे बकायदा, आपकी सुविधा अनुसार जो भी चार्ज वगैरह होगा करके। है बाकी अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे तो मैं आपके सामने पूरा जी जान से हाजिर हूँ। अच्छा आप लोग ये बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है, कोई जानता है क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब ये आप लोग कर लेंगे। भाग में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम इनको सिंपलिफिकेशन करना बताते हैं, काटना। सबसे पहला आंसर कल्पना निषाद ने दिया है, और अवनीश सिंह उसके बाद है भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, दो है। ठीक है, प्रिया सिंह, तौहीद गाजी, निशा, बहुत अच्छे। आइए हाँ बात करते हैं अब क्या। एक मिनट। अच्छा इसमें कितने ऐसे बाबू सोना आए हैं जिन्होंने पूरा पूरा दिल दिमाग लेकर नहीं आए, मतलब दिल उसको दे दिए हैं, वो अभी रख के बैठी है या बैठा है, केवल दिमाग दिमाग लेके आए। दोनों लाए ना, जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा मैथ नहीं आती है, क्योंकि मैथ को भी थोड़ा बहुत प्यार चाहिए, और अगर आप इससे प्यार कर लेते हो ना, तो जिंदगी में ये कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। कोई है ऐसा जो दोनों नहीं लाया? कि लाए हो दोनों लेके आना, मेरा मतलब समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर
मैथ भी नहीं समझ पाओगे। देखिए ये मैं अभी आपको भाग सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है? डिवीजन समझिए इसको कैसे करते हैं। जैसे मल्टीपल होता है ना, ये मल्टीपल का एक दूसरा चेहरा है, बस ये भिन्न का ही क्या है, ओ सॉरी मतलब गुणा का एक दूसरा चेहरा है। आइए सुनिए कैसे। सबसे पहले इनको ऐसे लिख देते हैं, भाग का चिन्ह लगा के गुणा लगाते हैं, इनको पलट देते उठा के कि खोपड़ी नीचे पैर ऊपर। मैं तो कर नहीं पाता, नहीं करके दिखा देता अभी। तो दो को ऊपर एक को नीचे, बस इनसे तो आप पहले से ही परिचित हैं, मिल चुके हैं पहले ही चुपके से, तो गुड़ा कर लीजिए ऊपर ऊपर का, बस हो गया आंसर। समझ में आया ना? अभी मैं आपको सिंपलीफिकेशन करना नहीं बता रहा हूँ, इसलिए यहीं पे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसको अभी हम और लिखते 1 × 1/5। ठीक, आइए। कोई बताया नहीं कि दोनों लेके आए हो कि अकेले आए हो, भाई काहे को शर्मा रहे हो, शर्माओ नहीं। तो ये हो गया, आप लोग कर लेंगे ना ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं, ये एक फर्ज था जो मैं निभा रहा था, बता दिया, बाकी कुछ नहीं है। मेन पॉइंट पे चलते हैं। हाँ मेन पॉइंट पे चले। अच्छा एक चीज मेरे मन में आ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे लगभग हरदम आता है, कि जब दो के बाद तीन भिन्न आता है तब क्या होता है। अच्छा एक चीज और, अगर इसी में एक जगह गुणा एक जगह भाग हो जाए तब क्या होता है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इधर समझिएगा थोड़ा सा। हे यार डीएलएड का भी क्लास है का आज? 10 बजने वाला है ना, डीएलएड भी चलेगा, काहे को मरवाओगे आप लोग? डीएलएड वालों को पढ़ाना है ना, तो बंद करना पड़ेगा यार। अभी 10 बजे से बीटीसी का क्लास है, मुझे थोड़ा सांस लेने की फुर्सत दीजिए, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, आज क्लास छोटी हुई क्योंकि YouTube एजुकान का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, शाम को हम लोग उसमें काफी इससे खो गए थे ना, जैसे लगता है सब कुछ भूल गए थे। 24 तारीख को वैसे मैं दिल्ली आ रहा हूँ फिर से दोबारा, वैसे तो मैं 1 सितंबर को भी अभी दिल्ली आ रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट वहां से हैं भूल चूक से रास्ते वास्ते में या कहीं भी मिल सकते हैं चुपके से। हाँ बाकी मैं कोई मीटअप नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो अगर आप लोग हैं तो बताइएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ऊपर नंबर दिया गया ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे से अभी बीटीसी का हमें क्लास चलाना है डीएलएड वालों के लिए, तो आना पड़ेगा, आप लोग आइएगा जरूर। हाँ फर्स्ट सेमेस्टर का चलेगा, ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। रात के 9 से 9:40 तक फ्री क्लास चलती है, डेली क्लास में आए, क्योंकि यूट्यूब पर इस क्लास के सारे सीरीज बाद में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा इस सीरीज के। अगर आप सोच रहे हो बाद में हम डाउनलोड कर लेंगे, दिन में चुपके से उठेंगे सो करके 10 बजे मुंह धुल के आएंगे, बाथरूम से निकलेंगे आएंगे डाउनलोड कर लेंगे, नहीं मिलेगा, तो रात में पढ़ लीजिएगा सभी, क्योंकि अकेले में बड़बड़ाता हूँ, अगल बगल वाले बड़ी गंदी गंदी गाली देते हैं, कहते रात भर चिल्लाता रहता है कमरा बंद करके, पागल हो गया, ले चलो इसे। आप लोग रहोगे तो लगेगा, दिखाऊंगा ना, देखो 400 लोग देख रहे हैं, नहीं तो किसको दिखाऊंगा मैं। मिलते हैं फिर अभी थोड़ा देर बाद, चलो भाई चलो।